अपने स्वागत अभिनंदन और जनता का धन्यवाद देने के बाद प्रधानमंत्री दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल पहुंचे। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं को उन्होंने संबोधित किया। सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास का नारा भी दिया। संबोधन में पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। संबोधन के बाद बाहर निकले कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। बीजेपी विधायक रविन्द्र जायसवाल तो उत्साह से दुगने होते दिख रहे हैं। मेरे साथ में है विधायक रविन्द्र जायसवाल जी जो बनारस से हैं। मोदी जी ने काफी आप कार्यकर्ताओं संवाद किया, पूरे संवाद में क्या रहा, किस तरह बातचीत हुई, क्या कहना है? दो बातें उन्होंने अच्छी बताया तो कई बातें। एक वर्कर और हमारा जो वर्कर है संगठन को सत्ता को मिला चले और वर्क कल्चर जोड़ दिया उन्होंने और सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त कर दिया। शायद हम चुनाव लड़ते हैं 25-30 साल से, लेकिन इतनी कार्यकर्ताओं को उत्साह किसी ने बढ़ाया था। इतनी खुशी का मौका था बनारस के लोगों के लिए आज। बनारस के तो अद्भुत था और कल्पना से परे था। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने विषय रखा उसको लेकर सारे कार्यकर्ता चार्ज हुए हैं और कार्यकर्ताओं ने ये तय संकल्प लिया कि 5 साल तक हम लोग अपने कर्तव्य काम करेंगे अधिकार पर नहीं। तो जिस तरह तमाम महिलाएं महिलाओं के लिए बहुत काम किया मोदी जी ने और महिलाओं ने भी खुलकर वोट दिया मोदी जी को, क्या कहना है? आज का दिन आप लोगों संवाद किया, संवाद में क्या क्या बातें सामने आई? जी, हम लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम सारी महिलाएं यहाँ पे उनको बधाई देने के लिए आए थे और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कि एक हफ्ते के बाद जीतने के बाद वो हमारे देश में हमारे घर आकर हम लोगों का अभिनंदन किए। हम लोग सारी महिलाओं को मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कि आप क्या कैसे खुशी व्यक्त करेंगे? मैं खुशी व्यक्त करूँगी, बहुत खुश हूँ कि मोदी जब चुनाव यहाँ लड़ने आए थे, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उसी से कहा के गए थे कि बनारस के लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भरोसे को कोई तोड़ेंगे और मैं चुनाव के बाद आऊंगा। तो यहाँ लोगों में काफी खुशी दिख रही है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि मोदी जी के आने पर उन्हें बेहद खुशी रही। यहाँ तक कि जो उन्होंने साफ साफ कार्यकर्ता उनके लिए पहले है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही मोदी जी ने यहाँ पर जिस तरह का पूरा कार्यक्रम, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो, वहाँ पूजन अर्चन हो, फिर कार्यकर्ताओं संवाद हो, ये बहुत ही आज ये वाराणसी वालों के लिए बहुत खुशी का दिन रहा। सारा समय के लिए राम प्रवेश यादव के साथ सुशील कुमार तिवारी वाराणसी से। बीजेपी के पदाधिकारियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो 5 साल के बाद होने वाले दूसरे चुनाव